नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार एक के बाद एक सफलता मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाए के लिए सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशनों में आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा रहा है। घाटी में अंतिम सांसें गिन रहे आतंकवाद को देखकर जिहादी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों की कड़ी मुस्तैदी के चलते उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। हर बार इन जिहादियों की साजिश खुद पर ही भारी पड़ रही है, जब 3 दिन के अंदर ही 4 जगहों पर हुई मुठभेड़ के दौरान 10 आतंकवादियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। तो वही आतंकवादियों की मदद कर रहे उनके सहयोगियों और कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भी लगातार छापेमारी जारी है। इसी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने घाटी के अलग अलग इलाकों में छापेमारी के दौरान अल बदर के 2 आतंकवादियों और उनके 3 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर 5 को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। समय रहते पुलिस को उनकी इस योजना का पता चल गया और तलाशी अभियान के दौरान इन्हें पकड़ लिया गया। इनके कब्जे से संगठन से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज और हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि अल बदर के आतंकी कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में आने वाले दिनों के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले के अलावा कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की साजिश में जुटे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध तत्वों को चिन्हित करते हुए उनकी गतिविधियों की निगरानी शुरू कर दी और बीती रात पता चला कि हंदवाड़ा में 3 स्थानीय आतंकी छिपे हुए हैं। पुलिस ने उसी समय एक विशेष दल बनाया और हंदवाड़ा में छिपे आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया गया। आज सुबह तक चले इस अभियान में पुलिस ने 3 आतंकवादियों को पकड़ लिया। ये तीनों अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे ताकि किसी को संदेह ना हो। इनकी पहचान मोहम्मद यासीन राथर, शौकत अहमद गनई और गुलाम नबी राथर के रूप में हुई है। तीनों हंदवाड़ा के पास काचलू काजियाबाद के रहने वाले हैं। एक दिन पहले कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए थे। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था। इनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो इस तरह से आतंकवादियों के सफाए के अभियान में जिहादी ढेर किए जा रहे हैं और उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।